नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों को जानते हैं। तो खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपके जिले में कोई भी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ESIC ने 3,882 पदों पर निकाली वैकेंसी। मैट्रिक, इंटर पास और ग्रेजुएट भी कर सकते हैं अप्लाई। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है। 10वीं, 12वीं और स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए ESIC ने बम्पर बहाली निकाली है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर कुल 3,882 पदों के लिए बहाली निकाली है। 15 फरवरी तक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए ESIC की आधिकारिक वेबसाइट esic.nic.in पर जाना होगा और अपना फॉर्म फिलअप करना होगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्टेनोग्राफर, अपर डिवीजन क्लर्क और मल्टीटास्किंग स्टाफ के रिक्त पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार एक से अधिक आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग अलग पदों के लिए उन्हें अलग अलग फॉर्म भरने होंगे। आवेदन भरने के लिए सबसे पहले ESIC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसे सेव करें। अपने फॉर्म को वैलिडेट करना ना भूलें। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन दबाएं। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान करें। उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन करें और इसे अपलोड कर लें। गुड न्यूज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में 50% सीटों की फीस सरकारी कॉलेज के बराबर। डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट के लिए ये अच्छी खबर है। अगर वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं तो उन्हें महंगी फीस से राहत मिलेगी। निजी मेडिकल कॉलेजों में आधी सीटों पर फीस सरकारी मेडिकल कॉलेजों के फीस के बराबर होगी, जबकि 50% सीटों पर फीस का निर्धारण वास्तविक लागत के आधार पर होगा। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी कि NMC ने नए सत्र में मेडिकल कॉलेजों के लिए यह नियम बना दिया है। इस बाबत गुरुवार को आदेश जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने NMC अधिनियम 2019 के तहत निजी चिकित्सा कॉलेजों और मानद विश्वविद्यालयों को लेकर बड़ा निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें अपनी 50% सीटों की फीस उस राज्य के केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी चिकित्सा कॉलेजों की फीस के बराबर किए जाने की बात कही है। NMC के बयान में कहा गया है कि हालांकि अगर सरकारी कोटे की सीटें कुल स्वीकृत सीटों के 50% से कम है तो शेष उम्मीदवारों को सरकारी मेडिकल कॉलेज की फीस के बराबर शुल्क का लाभ मिलेगा, जो विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होगा। नीट 2022 के लिए क्रैश कोर्स शुरू करेगा विंग्स एडवेंचर। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को मिलेगा लाभ। नीट 2022 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पटना का प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान विंग्स एडवेंचर आगामी 24 फरवरी से क्रैश कोर्स शुरू करने जा रहा है। यह क्रैश कोर्स 3 महीने का होगा, जिसमें नीट का पूरा सिलेबस समयबद्ध तरीके से देश के प्रसिद्ध शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ ऑल इंडिया फुल टेस्ट सीरीज भी छात्रों को दी जाएगी, ताकि नीट की परीक्षा से पहले ही छात्रों को अधिक से अधिक प्रैक्टिस मिल सके। इस क्रैश कोर्स से रेगुलर डाउट सेशन के जरिए भी छात्रों के नॉलेज को परिपक्व किया जाएगा। विंग्स प्रत्येक छात्र को पर्सनल केयर प्रदान करने के लिए जाना जाता है। यह कोर्स 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे चुके या देने वाले छात्रों के लिए बहुत उपयोगी होगा, जो उनके डॉक्टर बनने के लिए सपने की हकीकत में बदलने में कारगर होगा। इस क्रैश कोर्स में एनरोल करने के लिए आज स्कॉलरशिप सह एडमिशन टेस्ट के विंग्स की वेबसाइट www.wingsedu.org.in पर जाकर मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या पटना के बुद्धा कॉलोनी स्थित विंग्स एडवेंचर की शाखा पर आकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आ गई सिंगल डोज वाली वैक्सीन, स्पुतनिक लाइट को मिली DCGI की अनुमति। कोरोना से लड़ने के लिए स्पुतनिक लाइट की एक डोज ही काफी है। देश को एक और नौवा नया हथियार मिल गया है। रूस की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दे दी है। इस बात की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्विटर पर दी है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि स्पुतनिक लाइट के इस्तेमाल की अनुमति के साथ ही देश में अब कोरोना की कुल 9 वैक्सीन का इस्तेमाल हो रहा है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को इससे और मजबूती मिलेगी। बता दें कि 2 दिन पूर्व ही सिंगल डोज वाली वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश DCGI की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने की थी। रूस में बने स्पुतनिक लाइट वैक्सीन का इस्तेमाल अब किया जा सकेगा। किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन का एक डोज लगाए जाने के बाद दूसरे डोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
शराबबंदी में कोई छूट नहीं, नीतीश ने अधिकारियों को कहा। ड्रोन, कुत्ता, मोटरबोट जैसे सारे संसाधन लगाकर शराबियों को पकड़िए। बिहार में शराबबंदी कानून में राहत की अटकलें लगा रहे लोगों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। नीतीश ने अपने अधिकारियों को आज दो टूक कहा, चाहे जो कुछ भी करना चाहिए करिए, ड्रोन लगाइए, मोटर बोट दौड़ाइए, खोजी कुत्ता घुमाइए, लेकिन शराब पर रोक लगाइए। नीतीश ने अपने अधिकारियों को कहा, दूसरे राज्यों में प्रचार करिए कि बिहार में शराबबंदी किस तरीके से सफल है, यानी बिहार का पैसा लगाकर देश भर में नीतीश की शराबबंदी का प्रचार किया जाएगा। नीतीश ने आज शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की थी। बिहार में मीडिया का एक तबका काफी दिनों से अटकलें लगा रहा था कि शराबबंदी कानून में ढील दी जाएगी। आज जब सीएम की बैठक की तो कयास लगाया जा रहे थे कि इसमें शराबबंदी कानून में परिवर्तन पर फैसला लिया जाएगा, लेकिन नतीजा उल्टा आया। नीतीश ने अपने अधिकारियों को कहा कि किसी भी सूरत में शराबबंदी में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी कानून को अमल में लाने के लिए कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई, बिहार विद्यापीठ को दिया ये निर्देश। पटना हाईकोर्ट भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्मारकों की दुर्दशा के मामले में दायर जनहित पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। विकास कुमार की जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की डिविजन बेंच ने सुनवाई करते हुए बिहार विद्यापीठ के संबंध में दायर हलफनामा पर असंतोष जाहिर किया है। कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ को निर्देश दिया है कि बिहार विद्यापीठ में हुए अतिक्रमण का विस्तृत ब्यौरा पेश करे। इसमें अतिक्रमणकारियों के नाम, इस संबंध में विभिन्न अदालतों में सुनवाई के लिए लंबित मामलों और उनके नाम जो इन भूमि पर अपना दावा करते हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार विद्यापीठ से जुड़े विवादित भूमि की खरीद बिक्री पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बिहार विद्यापीठ के तमाम जमीन के स्वत्व संबंधित कागजात पटना डीएम कार्यालय को हस्तगत करने का निर्देश विद्यापीठ के प्रबंध समिति को दिया है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पटना के बांसघाट स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल और बिहार विद्यापीठ के हालात का जायजा लेने के लिए याचिकाकर्ता अधिवक्ता विकास कुमार को पटना के जिलाधिकारी के साथ भेजा था। बोले गिरिराज सिंह, बिहार के सभी पंचायतों का बनेगा मास्टर प्लान, गांवों के विकास में आएगी तेजी। केंद्रीय ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार अब शहर के साथ साथ गांवों के विकास पर भी जोर दे रही है। राज्यों के सहयोग से केंद्र सरकार देश की सभी पंचायतों का मास्टर प्लान बनाएगी। पंचायतों का मास्टर प्लान बन जाने से गांव में रहने वाले लोगों को घर बनाने के लिए लोन लेना आसान हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के संदर्भ में पंचायतों को शक्तिशाली और जीवंत संस्था बनाने के सपनों को साकार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का लक्ष्य तय किया है। विजन 2047 के साथ हमें संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित सतत विकास लक्ष्यों को भी प्राप्त करना है। वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को हासिल करने का हमारा इरादा है। केंद्रीय मंत्री रविवार को भाजपा मुख्यालय में प्रेस से मुखातिब थे। केंद्र सरकार के बजट की उपलब्धियां गिनाते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि मनरेगा विकास की लाइफलाइन है। उन्हें राज्य सरकारों से व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का आग्रह किया है। कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप में पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ एक महिला, एक युवा और बुजुर्ग को जरूर शामिल किया जाए। ठंड को लेकर डीएम का आदेश, पटना में सुबह 9 बजे से शाम 3:30 बजे ही होगा विद्यालयों का संचालन। कोरोना की तीसरी लहर कमजोर होने के बाद गाइडलाइन में छूट देते हुए सरकार ने आज से सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोल दिए हैं, लेकिन ठंड को देखते हुए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ठंड को देखते हुए सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल को निर्देश दिया है कि सुबह 9 बजे से शाम के 3:30 बजे तक ही स्कूल का संचालन करें। पहली से 8वीं कक्षा तक 50% उपस्थिति रखनी है। आंगनबाड़ी केंद्रों को भी खोलने और बंद करने की यही समय निर्धारित है। वहीं बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन ने स्कूल खोलने की घोषणा का स्वागत किया है। संघ के अध्यक्ष डीके सिंह ने कहा है कि यह छात्रहित में है। कोरोना की तीसरी लहर से राहत के बाद नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, बिहार में कल से नई छूट। कोरोना की तीसरी लहर से राहत मिलने के बाद बिहार में सरकार ने पाबंदियों में छूट का फैसला किया है। अब से थोड़ी देर पहले हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। सरकार ने अब पाबंदियों के छूट के साथ साथ लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा है। कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार देखते हुए सरकार ने 8वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं और ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खोल दिए गए हैं। इसके अलावा सभी सरकारी ऑफिस भी हर दिन सामान्य रूप से खुलेंगे। हालांकि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराया हुआ है उन्हें ही ऑफिस आने की इजाजत होगी।
बिहार सरकार की सेवा से रिटायर पेंशनरों को बड़ी राहत। जीवन प्रमाण पत्र के लिए अब बदल गए नियम। बिहार सरकार की सेवा से रिटायर होने वाले कर्मियों को अब दो श्रेणी में जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। एक कैटेगरी में 80 साल उम्र से अधिक पेंशनर रखे गए हैं, तो दूसरी कैटेगरी में 80 साल उम्र से कम के पेंशनर। अब 80 साल उम्र के अधिक पेंशनर को 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। केंद्र सरकार की तर्ज पर अब राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार सरकार की सेवा से रिटायर वैसे कर्मी जिनकी उम्र 80 वर्ष या इससे अधिक हो, उन्हें 1 अक्टूबर से ही जीवन प्रमाण पत्र देना होगा। पहले सभी उम्र के पेंशनरों को 1 नवंबर से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ता था। केंद्र सरकार के 80 वर्ष या उससे अधिक के सरकारी सेवानिवृत्ति कर्मियों को इस साल अक्टूबर में ही जीवन प्रमाण पत्र देना पड़ा था, लेकिन केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के आदेश के बाद अब राज्य में भी बदलाव किया जा रहा है। आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।